संदेश थाना के दीवार गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट में कुल 11 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर FIR कर इनमें से एक आरोपी को जेल भेज दिया है। संदेश थाना को दिए गए आवेदन में देवार गांव निवासी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चुनाव में BLO मंजू देवी ने लिखा कि 19 में चुनाव उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 213 पर ड्यूटी में थी। गांव से कुछ महिलाएं वोट देने के लिए बूथ पर आ रही थी। रास्ते में स्कूल के गेट समीप कुल वोट देने बूथ पर आ रही महिलाओं का मतदाता पर्ची छीन लिया। महिलाओं की शिकायत सुनकर ग्रामीणों से पूछने गई। इसके बाद आरोपी लोग मेरे साथ गाली गलौज करने लगे तथा धमकी देने लगे। रविवार की रात अचानक कुछ लोग मेरे घर पर लाठी डंडे और लोहे के रॉड लेकर गाली गलौज करते मेरे दरवाजे पर पहुंच गए। इस दौरान रोड पर बाइक को भी तोड़ दिया। मना करने पर संजय सिंह ने बाल पकड़कर पटक दिया और दुर्व्यवहार किया और कान की बाली। चुनाव के दिन आपके घर पर क्या हुआ था? चुनाव के दिन मेरा ड्यूटी लगा था BLO में, वहीं पे बूथ पे। कौन सा बूथ, कहाँ का बूथ? देवघर स्कूल के, मतलब। तो क्या हुआ फिर? तो हम बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे, तो ड्यूटी करते करते मतलब वोटिंग हो रहा था, इसी दौरान सब लोग पर्ची छीनने लगे। कौन छीन रहा था? यहीं के यादव जी लोग। फिर क्या हुआ? तो फिर बाहर से कोई फ़ोन किया अथी में प्रशासन के पास, तो प्रशासन आए लोग, तो दो चार आदमी अंदर लेकर के गए कि देखिए सर ये हो रहा है। तो उन लोगों को ये सब डरवा धमका रहा था। तो हम लोग वहीं खड़ा होकर अपना देख रहे थे तो उसी में से एक आदमी शमशेर नाम था उनका, वही पूछा हमसे कि आप देखी हैं कि पर्ची छीना रहा है। कहाँ का शमशेर, कहाँ के हैं? यही देवघर के हैं, यादव जी हैं। अच्छा। आप देखी हैं कि पर्ची छीना रहा है? तो हम बोले कि सर हम देखे नहीं हैं लेकिन सुने हैं कि पर्ची छीना रहा है। तो कौन कर रहे हैं आपसे? हम कहें कि क्या सब महिला बोल रही है कि मेरा पर्ची छीन लिया, मेरा पर्ची छीन लिया, कि ये ठीक बात नहीं है। हम इतना बोले बस वहीं हमको गाली देने लगे लोग, वहीं में से दो चार यादव के लड़का लोग, बस हम चुप हो गए डर के चलते। हम सोचे कि इन लोग से गाली गलौज करना क्या बात है, चुप हो गए। वहाँ बस उतना ही बात हुआ। वहाँ से हम बाहर निकले तो हमको डरवाया लोग। क्या बोला लोग? बोला लोग कि तुम देखी हैं पर्ची छीनते? हम बोले कि ऐसा तो हम नहीं बोले हैं, आ तो तू बोल रही है कि यही पर्ची छीन। हम कहें कि नहीं ऐसा हम नहीं बोले हैं, हम सुने थे तो हम बोले कि हाँ सुने हैं। तो वहीं में दो चार लड़का कहा कि अरे घींच के लाओ, तो इधर उसको घींच के लाओ। तो हम बोले कि घींच के लाओ, आके भिरिया ठेक के देखो, तब हम बताते हैं। इतना बात वहाँ होगा गेट के पास। फिर हम जब घर आ रहे थे तो वहाँ यहाँ का उप मुखिया का मड़ई है, वहाँ पर अपने में सब लोग हंगामा कर रहा था। वहाँ सुनने में आया उप मुखिया के लड़का जो हैं संजय सिंह, वही बोल रहे थे कि आज भर सब लोग चैन से रह ले, कल चैन नहीं है सब लोगों को। तो हम सोचे कि अपना ऐसे ही बौखला के बोल रहा है, हम क्या जाने कि क्या करेगा। फिर हम लोग आए तो उस दिन पथराव कब हुआ आपके घर? उस दिन नहीं हुआ कुछ, वोटिंग के दिन कुछ नहीं हुआ। बिहान भैला दिन भर लोग मीट खाया बनाया लोग, आ शाम को 7 बजे आ करके गाली देने लगा दरवाजे पर। कौन गाली दे रहा था? वही यादव जी लोग। जितना कितने संख्या में थे गाली देते समय? करीब 10-15 लोग थे। पथराव कितने? पथराव होने लगा तो 50-60, ये पूरा मैदान भरल था। मैंने पता ना कहाँ से हर हरा के इतना लोग आ गया, तुरंत एकदम तुरंत वही मड़ाई पे सब लोग इंतजार कर रहे। क्या नुकसान हुआ? क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ मेरा बाइक तो एकदम खत्म कर दिया, मेरे हस्बैंड को चोट लगा है, मेरे दो बच्चे को देखिए, ये दोनों बच्चे हैं। जब कुमारी देखिए, जब हम लोग देखे कि अंदर हम लोग मरा जाएंगे बाहर, तो कुमारी बंद कर दिए। क्या गांव के लोग विरोध नहीं किए? हाँ, गांव के लोग 2-4-10 आदमी विरोध किए और बोले कि नहीं आप लोग कुमारी। क्या कार्रवाई करेंगे आप उन लोगों पर जो पथराव किया आपके आवास पर? हम उन लोग पर FIR तो करिए दिए हैं। हम सोच रहे हैं कि इन लोग का छुटकारा ना हो।